भतीजी की पिटाई से क्षुब्धताओं ने भतीजी को उतारा मौत के घाट। भतीजी द्वारा पिटाई किए जाने से नाराज ताऊ ने 6 महीने बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना ताऊ ने उस समय अंजाम दी जब भतीजी अकेली घर पर थी। भमौरा के घिलोरा गांव निवासी रामसनेही ने बताया कि मंगलवार को नातिन कुमारी रिया गुर्जर दोपहर 2 बजे खेत पर चारा लेने गई थी। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आई तब रिया को देखने के लिए खेत पर गई, वह नहीं मिली। वापस आई और घर के दरवाजे खुले थे। अंदर जाकर देखा तो बरामदे में पड़ी चारपाई पर रिया लेटी हुई दिखाई दी। पास में जाकर देखा तो रिया खून से लथपथ पड़ी थी। रिया की उसके रिश्ते के ताऊ जुगेंद्र ने राहुल व राजीव के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब लड़की की कौन है? दादी। लड़की का क्या नाम था? रिया। कितनी साल की थी? 14 साल की। क्या घटना हुई? अरे आई लेने का गई। ठीक। हाँ तो देर हुई थे, हम देखने को गए। ठीक। रिया ना आई है, वही हम खेत पर गए। मैं खेत पर ना मिली, वे ले चली आई हमें कुछ। तो हमने जब गई ना आए तो मुते बारे बंदा बारे खेत पर क्यों गए, नहीं हुआ होगी लौट के आए तो हुआ सब लोग पूछ रहे हमारे लिया देगी काम ने रिया ना आया खेतों पर लिया देगी काम। हाँ वीरपाल बोले दिया गए। हाँ कितने बजे की घटना होगी? जो घटना करीब 3:30 बजे की, दोपहर की। सर भमौरा थाने क्षेत्र में जो भतीजी की हत्या कर दी गई, क्या मामला? थाना भमौरा में एक 14 साल की लड़की थी, उसकी गोली मार के हत्या करी गई है। परिवार वालों ने अब तहरीर दी, उसमें 3 लोगों को नामजद कराया गया है। पुलिस द्वारा जो उसमें मेन अभियुक्त था जोगिंदर, उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। घटना का शीघ्र अनावरण करा के सबको जेल भेजा जाएगा। क्या कारण था सर हत्या का? अभी तो परिवार वाले लोग तो बोल रहे हैं कि रंजिश थी, वो उनके परिवारी जन ही दूर के रिश्तेदार हैं जिन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। और बता रहे हैं कि 5-6 महीने पहले एक भैंस को लेकर कुछ विवाद हुआ था, और इसमें अभी देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। अभी तो अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है।